আছে। আগে আমরা 43,000 ঘরাম পাড়া দিয়া 11,40,000 বিয়াম ভেজ দিয়া বহুত দিন পেলে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ারি করকে আজ তক পয়সা নেই দিয়া। मैं भी 3 बार जाके मीटिंग किया कि मेरे को स्टेट का सवाल है, गरीबों का सवाल है, नहीं दिया। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ दिसंबर महीना में हम 11,00,000 लोगों को लिए फर्स्ट जो किस्ती है 60,000 रुपया हम दे देंगे। उसके बाद 3-4 महीना के बाद फिर 60,000 मिलेगा, 120,000 रुपया करके आपको मिलेगा जिसको मिट्टी का घर है, जो गरीब है। आप देखिए हर मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, आप लोगों को पता नहीं है ना, हार्ट का मेडिसिन को भाव बढ़ा दिया चुपचाप करके, प्रेशर का ब्लड प्रेशर का मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, ब्लड शुगर का मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, हार्ट का मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया, गैस का भाव बढ़ा दिया, आलू पोटल से लेकर हर कुछ का भाव बढ़ा दिया। लेकिन मोदी बाबू आपको भाव तो कमती हो गया, जनता ने आपको तो पसंद नहीं करता है। क्यों आप गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं, क्यों इतना झूठा बोलते हैं, क्यों आप बिहार में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है, और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, कब किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं है कि वो उधर में थे। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेशखाली में मेरे को आने का पहले मिला, और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था, वो सोचता है बम मार के या नकड़ी खा के वो इलेक्शन में जीत सकता है। इट इज अवर चैलेंज ऑल्सो, बम मार के नकड़ी खा के आप चाकरी नहीं जीत सकते हैं। जनता के लिए भाग्यर क्षमता नहीं, किल मार घुसाई, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आपको भाषण नहीं चाहिए, बेरोजगारी का रोजगार चाहिए, माँ बहन का लक्की भंडार चाहिए, स्टूडेंट का कन्याश्री चाहिए, शिक्षाश्री चाहिए, तपशीली भाता चाहिए, मेधाश्री चाहिए, सबूत साथी चाहिए, साइकिल चाहिए, मजदूर को रक्षा कवच चाहिए, प्रोविडेंट फंड का रुपया चाहिए। इधर में हॉस्पिटल भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो ईएसआई हॉस्पिटल था उसको भी हमने अपने कोई काम नहीं कर देने का, हमने जितना संभव हमने कर दिया। फिर हम चाहते हैं अंडल एयरपोर्ट ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, जैसे अपना इंडस्ट्री आपको सब कुछ अच्छा से अच्छा हो।